नमस्कार नमस्कार। लोकसभा चुनाव जो है वो आ गया है और पूरे बिहार में अभी इलेक्शन का माहौल है, पूरे भारत भर में इलेक्शन का माहौल है और राजधानी पटना में 19 तारीख को लोकसभा चुनाव होने जा रही है और सभी जो है पार्टियां पूरी तैयारी कर रही कि हमारी जीत हो। और बहुत सारे लोग जो हैं ये भी अपना मन बनाए हुए कि इस बार वोट नहीं देंगे क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे वोट देने पर भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं चुनाव में जीत जाते हैं तो हम वोट के करें भी क्या। नमस्कार सर, अपना परिचय पहले देंगे जरा। मेरा नाम शांति स्वरूप शर्मा है जी, यही मुन्ना चौक के बगल में रहते हैं, रहते हैं लोग, रिटायर आदमी हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जो चुनाव व्यवस्था इसका बहुत भ्रष्टाचार होता है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हाँ, जो चुनाव हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार, हाथ भतीजा, संप्रदायवाद, ये सब अधिक होता है। इसके रोकने के लिए कुछ चुनाव आयोग या और कोई दूर करें तो ज़्यादा बढ़िया। हमारा उसमें एक सुझाव है कि अभी जो चुनाव प्रक्रिया है तो जहाँ जिस लोकसभा क्षेत्र में जात का बोलबाला या जात का संख्या है उसी को टिकट दिया जाता है, तो ये सब चीज़ और संप्रदायवाद ये सब चीज़ दूर करने के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री का और डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव है। उससे है कि टिकट बंटवारे में भी और उसमें जो पैसा लेन देन होता है ये सब भी होता है। ये सुझाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके जो डायरेक्टर हैं निदेशक उनसे देना चाह रहे हैं। बहुत हद तक जातिता संप्रदायवाद ये सब भी। ये चुनाव के दौरान जो है बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो समाज में घृणा की राजनीति भी कर रहे हैं, जातिवाद भी बढ़ रहा है और हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। तो व्यवस्था हो जाएगा डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव होगा, ये लोकल जो जात पात संप्रदाय ये सब नहीं होगा। और जो रुपए की बर्बादी होती है, करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं, बर्बादी वो भी जाएगा और देश को काफ़ी से फायदा होगा। तो हम लोग को सुझाव यही है, यही होना चाहिए। उससे जो है हालांकि चुनाव में बहुत पहले से जो बैलेट पेपर व्यवस्था उनसे बहुत सुधार हुआ है लेकिन इस इतना सुधार जो है काफ़ी नहीं है। एक सुझाव और देंगे देना चाहेंगे शर्मा जी आप, ये भारतीय राजनीति में अपराधीकरण हो गया, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जीत जाते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो हर साल जीत जाते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं मिलता है। एक तो इसमें क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अब ये नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है और एक चपरासी बनने के लिए उसमें भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसका करेक्टर है, सब कुछ होना है। ये सब सुधार मेन जब डायरेक्ट चुनाव होगा तो ये सब अपने स्वतः जी सबसे बड़ा जड़ है कि अगर डायरेक्ट चुनाव होता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ये जो छोटा छोटा कमियां हैं सब स्वतः। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और क्या सुझाव देना चाहेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिया भी लगता है कि बहुत सारे मामलों में खामोश रहती है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है बहुत रुपए करोड़ों रुपए खर्च करती है चुनाव प्रचार पे, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है। अंकुश कई बात तो है ना, अंकुश अगर यो होता है तो ऑटोमेटिक सारा पर अंकुश लग जाता है, इतना जिसको मनवाया 10 आदमी हो गया एगो पार्टी बना दिया, ये सब व्यवस्था हो जाएगा तो सब ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त हो। एक छोटा सा और सवाल है, बहुत सारी पार्टियाँ जो हैं जैसे आपको केरल में और फिर यहाँ क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में क्रिमिनल पार्टियां हैं, मतदान के दौरान हिंसक वारदातें होती हैं फिर भी पश्चिम बंगाल में और सीधे साधे लोग मारे जाते हैं, अच्छे लोग वोट नहीं दे पाते हैं, फिर भी जो है वहां का जो प्रशासन है CID CIV वो सभी खामोश रहता है, यहां तक कि कोर्ट भी खामोश रहती, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्या कहेंगे आप? कारण है कि प्रशासन हो या कोई भी हो तो सब समाज से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिना समाज का तो कोई है ही नहीं, जिसे आप देखे होंगे ना कि बंगाल में एक IPS कमिश्नर जो है तो धरना में बैठ गए, तो चूंकि ममता बने वहाँ के चीफ मिनिस्टर तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए बैठ गया। एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड भी कर लिया पश्चिम बंगाल में। अच्छा, वही यही सब कारण है कि ये सब चीज़ ऐसे दूर नहीं होगा जब उसका उपाय बताने सेंट्रली जब चुनाव होगा तो स्वतः दूर ही सब, वही सबसे बड़ा समाधान वही है डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का डायरेक्ट। डायरेक्ट वोटिंग कौन करेगा वोटिंग?
जिस इस तरह से वोट हो रहा है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनेंगे और डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चुनेंगे। वो अपना अमेरिका में किस तरह से है अपना कैबिनेट बनावेगा, और दो बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी।